वेशभूषा, रहन सहन सब चीज अलग है। हमारे यहाँ से हम जो खाना खाते हैं वो भी वहाँ भिन्न है, हमारा भाषा अलग है, हमारा रहन सहन अलग है। अपने घर से 3000 किलोमीटर जो जेल में है वो कैसे रह रहा है, घुट घुट कर जी रहे हैं, काला पानी की सजा काट रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जो आदमी घर परिवार समाज सब कुछ त्याग कर बिहार ब्रांड बिहार ऐसे बिहार को बनाएंगे, बिहार की स्वास्थ्य शिक्षा स्कूल इसको ऐसे सुधारेंगे ऐसे करेंगे, उसका सपना देख रहा था आज अपने घर से 3000 किलोमीटर दूर कन्याकुमारी के पास मदुरई में एक जेल में बंद है। क्या बताएं कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। देखिए हम तो जानते हैं कि जो तकलीफ मनीष का सब चीज झेल रहे हैं उस चीज को बताना और समझाना किसी के बस की बात नहीं है। आप समझ लीजिए कि एक दिन के लिए आपका मोबाइल कहीं खो जाता है, तकलीफ समझिएगा, हम तकलीफ बता रहे हैं। ये आज के डेट में एक दिन के लिए अगर आपका मोबाइल कहीं खो जाता है तो आपको ना खाना अच्छा लगता है, ना पानी अच्छा लगता है, सांस लेना तक अच्छा नहीं लगता है, लगता है कि आपकी जिंदगी कोई छीन रहा है आपसे। अरे जो आदमी एक बार सड़क पे उतर जाता था तो 2 से 4 हजार लोग सिर्फ सेल्फी लेने के लिए खड़े हो जाते थे, आज वो आदमी एक एक आदमी से मिलने के लिए आप पूरा पागल हो रहा है कि मेरे पास कोई मिलने आए, कैसे जी रहे हैं आप, इस बात को समझ सकते हैं। कोई नहीं समझ सकता इस तकलीफ को, कोई नहीं समझ सकता है। सीधे तौर पर मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज मनीष का सबसे जब मिलने ये गए थे तो उन्होंने कहा कि भाई कहीं मंगल के या गुरुवार के किरण जानी हमारा से मिले जरूर चलो हमारा मन नहीं खेल लगा। ये तकलीफ आप समझ रहे हो कितना बड़ा बात बोला। आज ये जो बोल रहे हैं ना कि 2000 लोग सेल्फी लेने के लिए तैयार आता था, जो लोग 2000 सेल्फी लेने के लिए तैयार आता था, आज उसके उसे मिलने के लिए लोग नहीं पहुंच पाते हैं मतलब मंगलवार और गुरुवार, तो आदमी कितना तकलीफ होता है। जहाँ पर भाषा भी अलग है, रोटी मिलता है कि नहीं मिलता है, रोटी भी खाए खाए रोटी नहीं मिलता है भैया, वहाँ सिर्फ चावल मिलता है, हफ्ते में 7 के 7 दिन चावल मिलता है, चावल और सब्जी नहीं मिलता है, वो सांभर सांभर में सिर्फ पानी मिलता है। वो आदमी पता है हमारा क्या डालबूट मिलेगा, डालबूट और पानी सान के खा ले खाना, और क्या बताए रहा है। अब ज्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहते हैं। मनीष कश्यप का जो तकलीफ आज यहाँ 3000 किलोमीटर दूर मजराई सेंट्रल जेल में जो आज मनीष कश्यप कष्ट झेल रहे हैं, तकलीफ झेल रहे हैं, इस कष्ट तकलीफ का मजाक उड़ाना अगर चाहेंगे आप या आप में से कोई या कोई और लोग, बहुत आसान है, बहुत आसान है। चुटकी लेकर मनीष कश्यप का मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन एक मिनट के लिए भी मनीष कश्यप के स्थान पर खड़ा होकर देखिएगा आप उसके खिलाफ एक चू शब्द नहीं बोल पाइएगा। और मनीष कश्यप ने किसी का पैसा नहीं लिया है, मनीष कश्यप ने किसी को धोखा नहीं दिया है। अरे बहुत सारे तो लोग ऐसे हैं कि मनीष कश्यप को उन्होंने अपने कार्यक्रम में इनवाइट किया और मनीष कश्यप नहीं गए किसी कारणवश, तो वो उनका विरोध में वीडियो बना रहे हैं। मनीष कश्यप को बहन की शादी में बुलाया, मनीष कश्यप नहीं गए तो आज उनका वो विरोध कर रहे हैं। मनीष कश्यप उनका जन्मदिन का विश नहीं कर पाए कहीं किसी विशेष प्रयोजन में फंस के, तो आज मनीष कश्यप का विरोध कर रहे हैं। ये आज के जमाने में लोग 50,000 रुपया महीने कमाते हैं तो घर पर घर पिटवा देते हैं। लोग कह ला जी इतना पैसा कमा ले, उतना पैसा का पैसा कहाँ डाल दे, कहीं बुरा उरा में पोस के छोड़ देते पड़े। अकाउंट सीज भैया अकाउंट में 42 लाख रुपया मिले, जो आदमी 20 से 25 लाख रुपया महीना में आवत रहे भाई घर देख लिया इनके सामने घर बन अकाउंट, तीन गो अकाउंट रहे, तीन गो अकाउंट सीरीज भाई पैसा रुआ लोगों के सब सामने बन, जो भी कमाया है समाज के लिए डोनेट कर दिया ना। एक एक चीज जब सामने आता है ना, जब आदमी सोचता है उनकी सिचुएशन को, तो रोंगटा खड़ा हो जाता है भैया मेरा खराब हो रहा है। चलिए 5 लाख रुपया अगर आपके पॉकेट में है, चाहे 2 लाख रुपया है, तो 1 लाख रुपया उसमें से निकाल के एक आम आदमी को देने में 50 बार सोचेगा। 1 लाख रुपया में समर को काम कलेम न बेची तो कम से कम बढ़िया आईफोन तो जरूर खरीद ले। कहाँ का आदमी भ्रष्टाचार से पीड़ित होकर के हाथ काट लिया जाकर उस आदमी को मंडल जी को 1 लाख रुपया दे देने का काम किया। ये गलत किया था क्या मनीष कश्यप, गलत किया था क्या? वो ठेला चलाने वाला जो लड़का था, जो क्या था, गुपचुप बेचने वाला, गन्ना बेचने वाला 12,000, किसी को पढ़ने वाली बच्ची को 25,000, किसी को जाकर 50,000 रुपया, किसी को जो क्या बोलते हैं जो गाना गा के जो नाच रहा था बच्चा उसको 45,000 रुपया क्या था, दीपक रिक्शा वाले को रुपया को उतना रुपया मदद करना मोबाइल देना कहाँ से करता था भैया। वो तो अपने कमाई का 40 से 50% से ज्यादा पैसा लोगों में खर्च कर देता था दान में। और वैसे लोग आज मैं गलत बोल रहा हूँ तो कहिएगा, और वैसे लोग मनीष कश्यप पर कमेंट कर रहे हैं कि मनीष कश्यप ये कर दिया, मनीष कश्यप वो नहीं किया। थोड़ा सा भी इंसानियत अगर उन लोगों के मन में है तो आज ही मनीष कश्यप के बारे में सोचिए भैया मेरे, और विरोध करने वाले को मैं मना नहीं करूंगा, आप विरोध करिए और हम लोग समर्थन करेंगे। अगर आप विरोध करने के लिए अगर दो लोग अगर विरोध करने के लिए तैयार है तो क्या 2000 लोग समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है।
है कि नहीं है। बस एक ताकत हम लोग को हर जिले में जाकर दिखाने का काम करना है, और आज गार्जियन लोगों का हमने आशीर्वाद लिया है, और गार्जियन का आशीर्वाद मिला है और बहुत अच्छे से मिला है। आप लोगों ने देखा है उस आशीर्वाद को, हम लोग झुकने नहीं देंगे, उस आशीर्वाद को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, और पूरे बिहार में घूम के मनीष कश्यप के प्रयास को, उनके बलिदान को और उनके सच्चाई को जिंदा रखने का काम करेंगे, और आप सभी का समर्थन लेकर करने का काम करेंगे।